मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे कोई बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी है, ये बॉडी हुई, चाहिए ये मार्कर ले लो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमसे कि ये अपने आप भी जल सकती है क्या, या फिर इसको हीट दे तभी जलेगी, इसको आग लगाए तभी जलेगी, ये अपने आप भी जल सकती है, या फिर इसको अपन आग लगाएंगे तभी पॉसिबल कि ये बॉडी जलेगी। नहीं, इसका भी एग्जाम्पल रोल है, अभी बताएंगे कि जो स्पेसिफिक हीट है उसका भी रोल है, बहुत रोल है, एक जादू दिखाएंगे। ये क्या एक जादू है? देखो देखो आदमी, ये जरूरी नहीं है कि अपन किसी को जलाएं तो ही जले, ठीक है? आप जयपुर रह रहे हो, ठीक है, आप बढ़िया काम कर रहे हो, तो आपके रिश्तेदार वैसे ही जल रहे हैं, तो उनको कौन जला रहा है? कोई हीट थोड़ा दे रहा है, ऑटोमेटिक जल रहे हैं, ठीक है? इसका एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, एक जादू, ठीक है, और ये वास्तविक जादू है। देखो इसको अपन जलाते हैं तो ये जलेगा, ये तो जादू नहीं है, इसको अपन नहीं जलाएं तब भी ये बॉडी जले, वो जादू। कई कई बार आपने सुना होगा ना कि गर्मियों में आग लग गई है, तो वहां पे कोई आग लगाता नहीं, लग जाती है, ऐसा क्यों? तो हर बॉडी का क्या होता है, एक इग्निशियन टेम्परेचर होता है। तुम्हें एक एग्जाम्पल में एक अच्छा से एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ ना, और वास्तविक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है? हर बॉडी का एक इग्निशियन टेम्परेचर होता है। क्या होता है? इग्निशियन टेम्परेचर। वैसे अपने रिश्तेदारों के भी इग्निशियन टेम्परेचर होते हैं, ठीक है? उनको इग्निशियन टेम्परेचर मिल जाता, अपनी सक्सेस हुई, उधर इग्निशियन टेम्परेचर मिल जाता, वो जलने प्रारंभ हो जाते। जब भी किसी बॉडी को एक फिक्स टेम्परेचर, जैसे इग्निशियन टेम्परेचर के इक्वल या उससे ज्यादा टेम्परेचर मिल जाए, वो बॉडी ऑटोमेटिकली जलना स्टार्ट हो जाती, ठीक है? उसका एक एग्जाम्पल भी बताता हूँ, इग्निशियन टेम्परेचर। तो तुम्हारे रिश्तेदारों को क्या मिलता है? इग्निशियन टेम्परेचर। कब? जब तुम सक्सेस होते हो तो ऑटोमेटिकली उन्हें इग्निशियन टेम्परेचर मिल जाता है, और वो क्या होते हैं? जलना प्रारंभ। तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है? सुनिए, दो मिनट का वेट कीजिए, एक मिनट के लिए एक चेयर लेके आओ, चेयर, एक मिनट का वेट करो सर, ठीक है? एक चेयर प्रोवाइड कीजिए मुझे, हां एक चेयर दीजिए, हां चेयर दीजिए भाई, गंदी होने तो कोई दिक्कत नहीं है, गंदी से कौन सा अपने पास रखेंगे, क्या करना है यहां पे, खाना खाना करना है, गंदी बात को गंदी, गंदी चीज अच्छी होती है वैसे, चेयर के लिए थोड़ा सा प्लीज बता दो, चेयर के स्वाद के लिए जो चीज अच्छी होती है वो कभी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, तो चेयर के स्वाद के लिए अच्छी नहीं होती, वो शरीर के लिए अच्छी, ठीक है? ध्यान रखो। तो देखो आप एक एग्जांपल करके बताओ, एक पानी का कप आगा, एक मेज बॉक्स मंदिर में पड़ा हुआ है, और नीचे दादूस के वाते इस बोले पानी का आधा, इस बोले फटाफट क्यों हुआ, इसका जो हीट कैपेसिटी और इग्निशन टेंपरेचर का कांसेप्ट है ना, वो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, अभी देखो, हां देखो रहा है, देखते रहना, पूरा देखना एक बार, आप जादू नहीं है, फिजिक्स है, जादू वादू कुछ नहीं है, कहीं मैं कोलकाता से काला जादू सीख के नहीं आया हूं, कहीं कल ही अफवाह फैला दो ये टीचर तो काला जादू करता है, नहीं नहीं काला जादू नहीं करते। जहां तक वाटर लेवल फिल था वहां तक ये जला, उसके बाद क्या हो गया? बंद हो गया, ठीक? क्यों? क्योंकि जो ऊपर का जो खाली स्थान था, जो वैक्यूम स्थान था, वहां पे क्या था? एयर था। एयर की वजह से क्या हुआ, जब हमने इसको हीट दी तो एयर क्या कर रहा है? हीट ज्यादा अपना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अब क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है? डायरेक्ट जब अपन हीट दे रहे हैं, वो किसको जा रही है? डिस्पोजल को। और डिस्पोजल का जो टेम्परेचर है वो कहां तक पहुंच गया? इग्निशियन टेम्परेचर तक, और वो क्या हो गया? जल गया। अब जहां पानी आया, पानी की हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट क्या है? बहुत अच्छी है, देखो ज्यादा है ना, अच्छी हीट है, हीट स्पेसिफिक हीट। तो जैसे ही अपन ने इसको टेम्परेचर दिया, जैसे हीट दी, तो वाटर क्या कर रहा है? इसकी हीट को खींच रहा है, और खींचने की वजह से इसको इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर नहीं मिल रहा, लगातार ये क्या हो रहा है? जल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसका वाटर क्या कर रहा है? इसकी जो अपन हीट दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते। अपन क्या करें, लगातार इसको, जैसे लाइटर हो, लाइटर से, यानी गैस पाइपलाइन से अपन इसको डायरेक्ट जलाते रहे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद हीट लेना बंद कर देगा वाटर, और उसके बाद ये डिस्पोजल भी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो ऐसा कोई जादू नहीं है कि ये अपने आप जलता है या वाटर आते ही अपने आप बुझ जाता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। किसका कंसेप्ट है ये? फिजिक्स का। तो अभी आरयू एंट्रेंस का बैच चल रहा है, पहले उस पर फोकस करो। नेक्स्ट टाइम आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो साथ में अपन कहा करके बताएंगे, ऑनलाइन क्लास के अंदर, ठीक है? तो डालिए आगे वाली हेडिंग, फटाफट डालो।